क्या देश, आप मुझे बताइए, 5 साल हो गए, क्या आपने जिसको प्रधान सेवक बनाया, ऐसा कोई काम इस प्रधान सेवक ने किया है जिसके कारण उत्तर प्रदेश को नीचा देखना पड़े? ऐसा कोई काम किया है? मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे कोई एक जाति का भला हो दूसरे का न हो? ऐसा किया है? आपने देखा होगा, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना होती है ना, पहले क्या होता था, प्रधान किस जाति का है, सरकार किस जाति की है, सपा वालों की है कि बसपा वालों की? सपा वालों की है तो बसपा के जो मतदाता है उनको 5 साल नरक में जीना पड़ता था, बसपा वालों की सरकार हो तो सपा वालों को नरक में जीना पड़ता था, बिजली काट देते थे, पानी काट देते थे, ऐसा करते थे भाई। हमने आकर के कहा जी नहीं, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक ये मेरा परिवार का है, वो किसी जाति में पैदा हो, बिरादरी में पैदा हो, इससे मेरा लेना देना नहीं। और मैंने सरकार को कहा कि आप कहीं घर बनाने हैं तो एक कोने से तय करो भाई, और बनाते चलो, आखिरी व्यक्ति तक बनाते रहना है, ये नहीं देखना है कि फलानी जाति का पहले बनेगा, उस जाति का फिर बाद में बनेगा, और उस जाति का तो बनेगा ही नहीं। जी नहीं, मेरा मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। और इसलिए मैं क्या करता हूं, जो भी काम करता हूं सबके लिए, घर बनाऊंगा सबके लिए, किसी का 2016 में बन गया, किसी का 17 में बन गया, किसी का 18 में बना, किसी का 19 में बना, किसी का 20 में बनेगा, लेकिन 2022 तक सबके बन जाएंगे। सब जाति मेरी है, जैसे नमक के बिना कोई खाना नहीं बनता, वैसे मेरे लिए नमक की तरह हर जगह पे फैल जाना, हर एक का भला करना, यही मेरा काम है भाई।